देखिया जीटीवी न्यूज। मोतिहारी मैसी प्रखंड के राजकीय कृत तिरुकुद उच्च माध्यमिक विद्यालय के दूसरी पाली में 2 मिनट देर से पहुंचने पर परीक्षार्थी को अंदर नहीं जाने दिया गया। इससे परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर बैठकर रो रोकर की बुरा हाल, लेकिन विद्यालय के टीचर्स को कोई दया ध्यान नहीं आया। जबकि बच्चे कभी कभी लेट हो जाते हैं और जब टीचर लेट हो जाते हैं तो उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन आज बच्चे थोड़े से लेट हो गए तो बच्चों का एग्जाम छुड़वा दिए। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज एक बेटी को एग्जाम नहीं देने दिए। सरकारी स्कूल के टीचर इसका जिम्मेदार कौन? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा बिहार तरक्की पे है, लेकिन सच तो ये है कि बिहार में आज भी गुंडा राज चल रहा है। आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे रो रहे हैं, लेकिन इनका आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। आखिर हमारे देश में बेटियों के साथ ऐसा क्यों होता है? आज इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन कोई यह नहीं सोचे, बस देखा गया तो टाइम, वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए। बच्चे सुबह से शाम तक परीक्षा केंद्र पर बैठे रहे, लेकिन उन्हें कोई अंदर नहीं जाने दिया गया। क्या यही शिक्षा व्यवस्था है? पीसी मोतिहारी से मोहम्मद अफरीदी के साथ कैमरामैन लोकेश कुमार की एक खास रिपोर्ट।